एवरीवन आज हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड मेडिसिन को एलेंस की नोट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड ग्रुप की मेडिसिन एच एन ओ थ्री या फिर नाइट्रिक एसिड मेडिसिन को हम लोग एलेंस की नोट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कंस्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में एलिमेंट्स अगर किसी पर्सन को आएंगे तो वो होंगे विच डिपेंड ऑन द सम विरुलेंट पॉइजन जैसे कि मकरी सिफिलिस स्क्रोफूला ठीक है एस टाइप के अगर एब्यूज़ हुआ इन चीज़ों का विलन पॉइजंस का इन ब्रोकन डाउन कैचेक्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा इन सब एब्यूज़ के बाद तो नाइट्रिक एसिड आप सोच सकते हो स्पेशली सुटेड टू द थीन पर्सन ऑफ द रिजिट फाइबर एंड डार्क ठीक है कैसे पर्सन है थीन तो है बट उनके जो फाइबर जो मसल्स है वो रिजिड और डार्क कलर की पर्सनैलिटीज रहती है नाइट्रिक एसिड की ठीक है तो जो पर्सन होगा वो ब्रूनेट होगा मतलब डार्क ब्राउन डार्क कलर का रहेगा पर्सन रेदर देन ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड नहीं होगा फेयर फ्लेवी और फ्लैक्स नहीं होगा बर्नेट ब्रूनेट रहता है नर्वस टेम्परामेंट होता है पर्सन का पर्सन सफरिंग विद अ क्रोनिक टेक कोल्ड ईजिली है ना और इजिली डिस्पोज टू डायरिया जिनको ईजिली कोल्ड हो जाता है जिनको ईजिली डायरिया हो जाता है जो कि क्रोनिक डिसीज से सफर करते हैं रेयरली really, हम उन लोगों को देंगे हु सफ़र विद द कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन वाले पर्सन जो सफ़र करते हैं उनको कम ही देंगे जिनको डायरिया होता है उनको ज़्यादा इंडिकेटेड होती है नाइट्रिक एसिड ओल्ड पीपल विद अ ग्रेट वीकनेस और डायरिया ओल्ड एज में जो पर्सन है जो वीक हो गए हैं उनको डायरिया भी हो रहा है तो इसी कंडीशन में हम नाइट्रिक एसिड सोच सकते हैं अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड के मेंटल जनरल्स तो आफ्टर द कंटिन्यू लॉस ऑफ स्लीप ठीक है कंटिन्यू मतलब लगातार बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है लॉस ऑफ स्लीप हो रही है लॉन्ग लास्टिंग एन्जाइटी है किसी बात की लंबा तनाव बना आ रहा है ओवर एग्जेशन हो गया माइंड का बहुत ज़्यादा माइंड का यूज कर लिया है या फिर बॉडी का भी हो सकता है फ्रॉम द नर्सिंग द सिक ठीक है बॉडी का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि वो सीख हो गई दूसरों की केयर करते करते नर्सिंग में कोकुलस भी रेमेडी है दूसरों की केयर करते करते जो कि वीक हो जाती है एंग्विज फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड ठीक है कोई डियरेस्ट कोई क्लोज फ्रेंड था उनके लॉस के कारण उसको अब बहुत ज्यादा एंग्विज है बहुत ज्यादा दुखी है अब वो इंडिफरेंस हो गई है बाकी लोगों से एंड टायर्ड ऑफ लाइफ है सैडनेस है बिफोर मैंसन ये सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलता है सैडनेस वाला ग्रेट एंगजाइटी अबाउट हिज डिजीज अभी जो भी उसको बॉडी में फिजिकल लेवल पर जो कंप्लेन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एंगजाइटी है थिंक्स अबाउट हिज पास्ट ट्रबल जो पुराने जो ट्रोमाज है उनको सोचती हैं मोरविड फियर रहता है कोलेरा का ठीक है कॉलेरा मोरबस जिसमें हमको डायरिया सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिप्रेस एंड इन इवनिंग टाइम में आप देखते हैं इरिटेबल रहती है हेड हैंग है बहुत ज्यादा जिद्दी है हेडफुल भी है भी है ठीक है इनवर्टरेट एंड इल विल्ड अनमूव बाय एपोलाइज ठीक है अगर हम लोग सॉरी भी बोल रहे हैं तो वो अनमूव नहीं करेगी मूव ऑन नहीं करती हैं बहुत ज्यादा हेडफुल और हेड स्ट्रॉन्ग टाइप की पॉसिबिलिटीज बन जाती है नाइट्रिक एसिड की नाइट्रिक एसिड के फिजिकल जनरल्स को अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पे इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है अगर पेन का करेक्टर देखें नाइट्रिक एसिड में तो सबको पता है प्रीकिंग और स्प्लिंटर लाइन पेन होता है और स्टिकिंग करेक्टर का रहता है सडनली आता है और डिसपेयर होता है सडनली ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर पे या वेदर पे स्लिप के टाइम पे ग्रैविंग हीयर एंड देयर यहाँ से वहाँ हमेशा ग्रैव करता रहेगा ठीक है अल्सस फॉर्मिंग ठीक है ऐसे लगता है कि अल्सर्स फॉर्म कर रहा है ये पेन सेंसेशन बैंड बैंड अराउंड अराउंड हेड हेड के है है ऐसा सेंसेशन बोन्स के अराउंड है बैंड ठीक है स्प्लिंक्टर लाइन सेंसेशन होता है जो भी अफेक्टेड पार्ट है बॉडी में जैसे कि अल्सर है वहां पे स्प्लिंक्टर लाइन पेन होगा पाइल्स है किसी को थ्रोट में होगा इन ग्रोविंग टोन जो कि एग्रावेटेड होंगे स्लाइटेस्ट कॉन्टेक्ट से बोन के अराउंड अगर बैंड सेंसेशन तो कार्बो कार्बोलिक एसिड और सल्फर भी है जो डिस्चार्जेस कैसे होंगे फिजिकल लेवल पे नाइट्रिक एसिड के थीन और ऑफेंसी एक्रीट कलर के रहेंगे ब्राउन येलो इस डिस्चार्ज हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का भी हो सकता है ठीक है लाउडेबल पल्स भी देखने को मिलता है लेकिन वो रेयरली देखने को मिलता है अफेक्टेड करता है स्पेशली दो तो म्यूकस आउटलेट को बॉडी के जब स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ठीक है जहाँ पे ज्वाइन करती है म्यूकोकोटेनस जंक्शंस पे वहाँ पे अफेक्ट करता है माउथ पे नोज पे रेक्टम पे यूरिथ्रा वे जाए ना एसिड में भी हमको म्यूकोकोटेनस जंक्शंस पे क्या देखने को मिलते हैं अफेक्शंस देखने को मिलते हैं अल्सर्स की अगर बात करें तो ईजिली ब्लीडिंग अल्सर्स देखने को मिलते हैं कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे नेट्रोम्यूर में भी ये सिम्टम है स्प्लिंटल लाइक पेन देखने को मिलता है स्पेशली कॉन्टैक्ट से जिग और रेगुलर एजेस रहेंगे बेस हमको रो फ्लैश देखने को मिलेगा और जो एग्जोरबेंट ग्रैनुलेशंस होते हैं स्पेशली मरकरी अब्यूज के बाद हमको अल्सर्स देखने को मिलते हैं और अल्सर्स का कैरेक्टर कैसे रहेगा जिग जेग रेगुलर एजेस और रो फेश उसका बेस देखने को मिलेगा और स्प्लिंटल लाइक पेन होगा इसमें मरकरी का एब्यूज है या सिफिलिस हो सकता है या दोनों को हो सकता है इनग्राफ्टेड ऑन ए स्क्रफुलस बेस पे क्रैकलिंग ऑन ईयर ईयर में हमको क्रैकलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है मेस्टिकेशन के टाइम पे और जॉइंट्स में भी मोशन के टाइम पे कोकुलस और ग्रेफाइटिस में भी हमको क्रैकलिंग सेंसेशन अब जॉइंट्स में देखने को मिलता है अगर नाइट्रिक एसिड का हैमरेज देखते हैं तो बॉवेल से हमको देखने को मिलता है टाइफोइड और टाइफस की कंडीशन में क्रोटेलर्स म्यूरेटिक एसिड में भी हमको टाइफोस और टाइफस की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है हमको देखने को मिलता है हेमरेज आफ्टर द मिस कैरेज पोस्ट या ओवर एक्जर्शन हो गया बॉडी का उसके कारण भी हेमरेज तो हेमरेज कैसा ब्राइट रेड कलर का प्रोफ्यूज और डार्क भी हो सकता है हेड की अगर बात करती है तो हेड में हमको रेटल लाइक सेंसेशन रेटल ऑफ वैगन ओवर द पेव स्ट्रीट पे जब भी पेय स्ट्रीट पे जो खड़खड़ाने की आवाज़ आती है रेटल ऑफ वैगन देता सुनाई देता उस चीज़ से नाइट्रिक एसिड बहुत सेंसिटिव होता है हेड होता है उसको प्रेशर से हेड अगर टोपी लगाई है उसके प्रेशर से भी उसको हैड होने लगता है कैल्केरिया फूज काबोव और नेचुरम्यूर भी है इसमें रेमेडीज ईयर की अगर बात करते हैं तो हार्डनेस ऑफ हियरिंग है कि जो कि राइडिंग इन कैरिज और ट्रेन से एमोलिटेड होती है ग्राफाइटिस में भी नॉइस से उसको ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है राइडिंग इन कैरिज से उसको अच्छा सुनाई देता है नोज में हमको ओजीना ओजीना में क्या ग्रीन कास्ट देखने को मिलता है नोज से हर मॉर्निंग में जी की अगर बात करते हैं तो डायरिया जो रहता है स्ट्रेनिंग बट द लिटिल क्लासेस ठीक है जो पर्सन रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग तो करता है लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत कम निकलता है अगर पीसेस फीकस रिमेंट एंड कांड भी एक्सपेल्ड ठीक है एलुमिना में भी ये सिम्टम है पेन एज इफ रेक्टम एंड एनस व टोन और फीशर्स ठीक है ऐसा पेन होता है कि जो रैक्टम है और वो एनस है जो टोन हो गया और फीशर्स हो गए नेट्रोम्यूर में भी ये सिम्टम है वॉयल कटिंग पेन देखने को मिलता है स्टूल के बाद आफ्टर स्टूल लास्टिंग फॉर आवर बहुत टाइम तक रहेगा वो जो पेन है रताइना और सल्फर में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है ड्यूरिंग और आफ्टर स्टूल है तो मर्क है और आफ्टर स्टूल है तो ओनली हमको नाइट्रिक एसिड फीशर्स देखेंगे तो रेक्टम में देखने को मिलते हैं टीयरिंग्स पाजमोटिक पेन होता है स्टूल के टाइम पे लेंसिनेटिंग पेन होता है इवन आफ्टर सॉफ्ट स्टूल अगर सॉफ्ट स्टूल भी अवॉइड कर रहा है तो फीशर्स में पेन होगा एलुमिना नेच्रोम्यूर और सतना में भी ये सिम्टम है यूरिनरी सिम्टम की बात करते हैं तो यूरिन हमको स्कैंटी डार्क ब्राउन और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रहेगी यूरिन जैसे कि हॉर्स की जो यूरिन रहती है उस टाइप की यूरिन रहेगी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहेगा कोल्ड वेन इट पास यूरिन जब भी पास आउट करता है तो कोल्ड की ओर होती है वो टर्बिड लुक लाइक रिमेन ऑफ द सिडार बैरल सिडार बैरल जे के पार्टिकल्स रिमेन रह गए इस टाइप की टर्बिडिटी हमको नाइट्रिक एसिड की यूरिन में देखने को मिलेगी सिडार बैरल मतलब जो सिडार से जो वाइन बनाई जाती है उस टाइप की टर्बिडिटी हमको देखने को मिलती है नाइट्रिक एसिड में अब बात करते हैं स्किन सिम्टम की तो स्किन में हमको वॉर्ड्स देखने को मिलते हैं कोंडाइलमेटाज देखने को मिलते हैं साइकोटिक और सिफलेटिक अफेक्शन जैसे कि अगर वॉड्स हैं तो वो लार्ज जैक्ड और पेडेंकुलेटेड देखने को मिलेंगे ब्लीड करेंगे इजीली वो रेडियली ऑन वॉशिंग अगर वॉश किया तभी भी, भी ब्लीड करने लग जाएंगे मोइिंग स्ट्रीकिंग पेन होगा उसमें स्टेफी और थूजा में भी हमको लार्ज पेडेंकुलेटेड वॉर्ड्स देखने को मिलते हैं मॉडलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो एग्रावेशन इवनिंग और रात में होता है आफ्टर मिड नाइट एग्रावेशन इसमें भी देखने को मिलता है हमको नाइट्रिक एसिड में कॉन्टेक्ट से एग्रावेशन होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर से स्वेटिंग के टाइम पर एग्रवेशन होगा वॉकिंग के टाइम पर एग्रावेशन होगा ठीक है वॉकिंग के टाइम पे और वॉक वेल वॉकिंग भी एग्रावेशन दोनों ही टाइम पे एग्रवेशन होगा एमशन होता है इसको राइडिंग इन कैरिज से और इसका ही रिवर्स अगर देखें तो कॉकुलेश में एग्रावेशन होता है राइडिंग इन कैरिज से रिलेशन की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक और कैलेडियम की इनिमिकल है लेकेसिस की नाइट्रिक एसिड इनिमिकल है लेकेसिस की रिसम्बल करती है आर्सेनिक जैसी मोरबिड फियर ऑफ कॉलेरा में हमने देखा कि इसको फियर ऑफ कॉलेरा रहता है नाइट्रिक एसिड को वैसे ही हमको आर्सेनिक में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम मर्क से हम लोग डिफिकल्टी रहती है अलग करने में लेकिन बट जो नाइट्रिक है सेड ब्लैक हेयर्ड पीपल्स के होता है लेकिन जो मर्क होता है लाइट हेड्स के लिए होता है यहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिलीव करता है एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एब्यूज ऑफ मर्करी के बाद स्पेशली इफ देयर इज बी इरेडिज बैड इफेक्ट ऑफ रिपीटेड डोज ऑफ डिजिटलिस के बाद भी आप लोग दे सकते हो फॉलो करते ये है, कैलकेरिया हैपार मर्ग नाइट्रिक काप पर्स थूजा बट इज़ मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर काली काप के बाद ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ये रेमेडी फॉलो करती है तो ये थी नाइट्रिक एसिड रेमेडी फ्रॉम दी एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है थैंक यू फॉर वॉचिंग